कोर्ट में अभी ये शाम का वक्त है और वाल्मीकि समाज और कांग्रेस के कई पदाधिकारी उस मनीषा के न्याय के लिए, जिस मनीषा की दरिंदगी के साथ, रेप के साथ उसकी हत्या कर दी थी, उसी को न्याय को लेकर आप देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और नगर पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के नगर कमेटी के अध्यक्ष सहित वाल्मीकि समाज के सभी सदस्य जो कि मनीषा के न्याय को लेकर आज कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं और इनकी एक ही मांग कि मनीषा को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कपकोट में भी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल छात्राओं व महिलाओं ने हाथरस की घटना की निंदा की। श्रद्धांजलि देते वक्त एक छात्रा द्वारा दिया गया भावुक संदेश सुनकर हर एक की आंखें नम हो गई। पूर्व विधायक ललित फरसौन सहित जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने कहा कि यूपी सरकार अपराधियों के संरक्षण में अंधी हो गई है तथा पीड़ित परिवार के दर्द को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार के आदेश पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस अमानवीय कृत्य कर रही है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी कैसे पढ़ेगी? मोदी जी हम कभी दुनिया के भक्षण लोग पढ़े हैं, कैसे बेटी आगे बढ़ेगी? बेटी कुछ करना चाहती है पर भक्षण लोग कुछ करने ही नहीं देते तो कैसे करेगी? मोदी सरकार ये क्या कर रही है, क्यों बैठी है ऐसे? हमें न्याय चाहिए, मनीषा को न्याय चाहिए। हम आज इसीलिए आगे आए हैं, मनीषा को न्याय चाहिए, वाल्मीकि समाज को न्याय चाहिए। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ नहीं हुआ है, सब लड़कियों के साथ हुआ है। सब लड़कियां बाहर कैसे निकलेगी, अंधेरे में बाहर कैसे जाएगी? आप लोग बोलते हमें न्याय चाहिए, बस सिर्फ हमें लड़की के लिए न्याय चाहिए। लड़की आगे बढ़े, कैसे बढ़ेगी लड़की आगे? पर भक्षण पीछे लगे हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी लड़की? हमें सिर्फ न्याय चाहिए और लड़कियों के लिए आगे सम्मान चाहिए, बस हम इसी के लिए नारा लगा रहे हैं कि हमें लड़कियों का सम्मान चाहिए। जैसा कि आप सभी को अवगत है विदित कई दिनों से कि मनीषा वाल्मीकि जो कि एक हाथरस की बहन बेटी है, तो उसके साथ पिछले दिनों कई आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप करने के बाद हत्याकांड करने का आरोप सामने आया है। सरकार अभी भी इस बात में कोई भी मध्य ध्यान नहीं रख रही है और हम लोग नगर पंचायत कपकोट जिला बागेश्वर से आज कैंडल उनके शोक उसमें आज कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें कि पूर्व विधायक जी और जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे गोविंद बीर जी अध्यक्ष जी सभी मौजूद हैं, हमारा भरपूर सपोर्ट दिया। तो हमें ये मनीषा के लिए एक न्याय की एक गुहार लगाई है जो कि हमें सरकार के कानून तक पहुंचानी है। जो सरकार आज गूंगी और बहरी बन के बैठी है उसे हमने सुनाना है और उसे हमने बुलवाना है कि आज हमें न्याय चाहिए, तो हमें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? मनीषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, इससे पहले कई हजारों केस हो चुके हैं। निर्मला केस देखिए, उसमें भी हमको कोई न्याय नहीं दिया गया। बीच में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन तब भी उसको कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर आज भी अभी भी उनको उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो हम लोग हड़ताल भी उतरेंगे। इसी के लिए आज सबने बेटियों के बारे में बात की और ये यूपी में 14 तारीख को ये केस हुआ था और सभी के सभी निर्भया के बारे में यहाँ पे बोल रहे थे, जिसके माँ बाप को 7 साल लगे थे अपनी बेटी के रेप के केस के बारे में बताने के लिए, उसको सही प्रूफ करने के लिए कि मेरी बेटी का रेप हुआ है, उसको नहीं होना चाहिए। मैं इस देश की बेटी, इस उत्तराखंड की बेटी, इधर मैं अभी 20 साल की हुई हूँ, मुझे पता है मुझे मेरे लिए कौन सी सरकार सही रहेगी कौन सी नहीं। लोग आते हैं जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी मनीषा बहन के लिए यहाँ पे आई है, तुम लोग को नहीं पता क्या होता है। मर्द करता है ये सब औरत के साथ करता है, इनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो आज मनीषा के घर के साथ हुआ है, कल हमारे साथ किसी के घर के साथ भी हो सकता है। इनकी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मैं दस रैलियों में जाती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, पर अगर मेरे देश की बेटियों के लिए, मेरे उत्तराखंड की बहनों के लिए उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं करेगी तो कल के दिन मैं खड़ी होंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ,
मैंने कई अच्छे स्कूलों से पढ़ा हुआ है और मेरे जीवन का लक्ष्य ही है कि मैं अपने उत्तराखंड अपने कपकोट की बेटियों को पढ़ाऊं, दिखाऊं कि समाज होता क्या है। यहाँ पे खड़े होके ओके बोल सकता है कोई, बोलेगा पर जो एक एक लोग का दुख समझेगा वही एक अच्छा नेता बनेगा। एक दिन के दुख के ऐसे नहीं होता है, ये मैंने पहले भी किया है, मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है, लोगों पे अवेयरनेस फैलाई है। मैं सबको देख रही थी, बच्चों को नहीं समझ पाते हैं क्या हो रहा है, पर ये मेरे आंख अंदर से ना आंसू भर गए थे एक बेटी होके कि कितने नीच हो सकते हैं कोई लोग। मेरा ये परिवार है, मैं यही खेली बसी पड़ी हूँ, आधे से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पे जानते भी है। पर अगर मैं इन बेटियों के लिए, अपनी छोटी छोटी बहनों के लिए, मैं तीन बहने हैं मेरी सगी, अगर कल उसके साथ हुआ आज मेरे साथ भी हो सकते हैं, मेरी बहनों के साथ हो सकता, कौन देखेगा इसको। यहाँ की पुलिस भाई एकदम जीरो, मैं सामने बोल रही हूँ, मुझे अरेस्ट करने कर लीजिए, कुछ नहीं करती है, हम बेटियों के लिए कुछ नहीं करती है, कोई मुझे छेड़ के चले जाएगा या स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे को पता है मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ अपने साथ, पर इनका इनको छेड़ देगा कौन, क्या करेगा बताइए, आप बताइए कौन क्या करेगा। इनकी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल खोले जाए, सरकारी स्कूल ऐसे कि टीचर लोग नहीं जाते, अबे बच्चे क्या पढ़ेंगे। मैं नहीं पढ़ी हुई वहाँ से, मैं नैनीताल के अच्छे बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, पर इनके लिए क्या कौन कर देगा। तो मैं अपने माननीय, मैं इन्हीं को हमेशा जानती हूँ, ये मेरे भगवान है ललित बरसवाड़ी, ये मेरी माँ, इनको मामा जी बोलती है, ये मेरे माँ के भाई नहीं है, ये सब बहनों के भाई है, ये बहुत अच्छे है। तो मैं चाहती हूँ कि इस देश की बेटियों के लिए ये कुछ करे, और ये करते भी है, ये एक एक के घर जाके एक एक का दुख सुनते। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में वोट है, तो सोच समझ के दीजिएगा जिसको वोट देना है, क्योंकि यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से बस। थैंक यू। इस तरीके से हाथरस की जो घटना हुई, पुलिस पहली बार 14 दिन के बाद जागी, और निश्चित तौर पर जो जघन्य घटना जो हाथरस में हुई, कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है। जिस तरह से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ कहीं ना कहीं सत्ता में आई थी, और निश्चित तौर पर यूपी और उत्तराखंड में आज जो बीजेपी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, निश्चित तौर पर जितना भी उत्पीड़न महिलाओं पर हुआ, ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में एक नई चेतना जगाने का काम हम लोगों के द्वारा करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लेके सभी जगह इन महिलाओं के उत्पीड़न के ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरीके से ये घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं आज हमको अपने समाज को संभालने की ज़रूरत है, अपने क्षेत्र को संभालने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, पूरे समाज में पूरा रोष जो व्यक्त है, उसको कहीं ना कहीं सरकारों के माध्यम से, हम लोगों को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से न्याय के लिए हम लोगों को गुहार लगाने की ज़रूरत है। आज हम सब लोग जो हाथरस की जघन्य घटना हुई है, और कपकोट में ब्लॉक मुख्यालय से लेके इस PWD तिराहे तक, स्वास्थ्य विभाग तिराहे तक, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रकाश कांडपाल जी के नेतृत्व में, और नगर पंचायत के अध्यक्ष गोविंद बीज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला, और श्रद्धांजलि उस बहन को दी, और पूरी बहनों ने, पूरी मातृशक्ति ने एक ही निवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी से किया है कि तत्काल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। जब कानून व्यवस्था वहाँ पर कायम नहीं हो सकती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जी ने तत्काल कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर केंद्र से वहाँ पर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और हम सब लोग चाहते हैं तत्काल योगी सरकार को बर्खास्त करके उस परिवार को न्याय देना चाहिए, और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उन सब लोगों को तत्काल मौत की सजा सुनाई जाए, और उनके खिलाफ कोई ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चले कि उनको कोई ऐसी न्याय मिले। हम तो यही चाह रहे हैं कि जनता के हवाले ऐसे लोगों को कर देना चाहिए, कानून अगर उनकी रक्षा करेगा तो कहीं ना कहीं हमको भी चिंता का विषय बनना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि तत्काल जो है केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और योगी सरकार को बर्खास्त कर दे। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिलवा की रिपोर्ट।